Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से आ रही है, जहां प्रदेश के मंत्री लोकसभा क्षेत्र के हराया विधानसभा में किसानों का सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन में बस्ती लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसान वाइसरगंज चीनी मिल पर बैठकर गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन किसानों की मांग है कि बस्ती जिले में वाल्टरगंज चीनी मिल पर 50 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का बकाया है, गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल करें, अन्यथा बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर किसानों से अपील करेंगे। यह सरकार किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करा पा रही है। इन पार्टियों को वोट ना करें और हम वोट का बहिष्कार का प्रचार करेंगे। वहीं इस मामले में प्रदेश के वन मंत्री से पूछा गया कि एक तरफ आप गन्ना मूल्य का भुगतान 15 दिन के अंदर करवाने की बात करते हैं, तो वहीं गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर वाल्टरगंज चीनी मिल पर किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो इस मुद्दे पर मंत्री कन्नी काटते हुए कहा कि मेरी सरकार 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान करवा रही है, ऐसे में किसानों की गाढ़ी कमाई या चीनी मिल दबा कर बैठी है। इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि रबी की फसलों की कटाई, बच्चों की पढ़ाई, उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि पूर्वांचल में किसानों का आय का साधन गन्ना ही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यही है कि मिल चलाई जाए, किसानों का जो बकाया है 16-17 का बकाया यहाँ है, 17-18 का भी बकाया है, और मजदूरों को मजदूरी दी जाए। लेकिन यह देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन के लोग, मिल के लोग, हम लोगों से आज तीन चार महीने से गुमराह कर रहे हैं। आज चल जाएगी, कल चल जाएगी, परसों चल जाएगी, आज तक हम लोग दौड़ते रहे। अब हम लोग आशा छोड़ दिए हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि आप पेमेंट दीजिए, मिल चलाइए, मजदूरों को मजदूरी दीजिए। लेकिन ये लोग कहते हैं करते नहीं हैं, इस पर हम मजबूर होकर के अब यह उतारू होंगे, गांव-गांव में जनाएंगे कि इसमें मुख्यमंत्री योगी जी का हाथ है। अगर वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, मंच से कहे थे किसानों का बकाया 14 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज गुमराह करके इस मिल को बंद कर दिया जा रहा है। ये श्रेय योगी जी का है, डीएम उसमें भागीदार है, और ये जो मिल के लोग चलाने के लिए आ रहे हैं, इनका भी जालसाजी है। इसलिए हम वोट का बहिष्कार करेंगे और किसानों मजदूरों से भी कहेंगे कि हम वोट नहीं देंगे। क्या नाम आपका? हरी राम किसान। जहां लोकसभा चुनाव का रण बच चुका है, वहीं नेता, विधायक और मंत्री जनता को लुभाने के लिए हर जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बस्ती जिले में कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी जम के हो रही है। कहां तो पूर्वांचल में किसानों का आय का मुख्य साधन गन्ना है, लेकिन गन्ना मूल्य के भुगतान न होने से कहीं ना कहीं किसानों को आघात लग रहा है और प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। इंडिया पावर न्यूज के लिए बस्ती से संवाददाता जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। हम लोग धरना कर रहे थे और उसमें जो है शासन प्रशासन के लोगों ने लगातार झूठ बोल करके गुमराह करने का काम किया कि आज जो है भुगतान हो जाएगा, कल भुगतान हो जाएगा। इसी तरीके से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, होली के दिन उन्होंने कहा कि हर हाल में जो है भुगतान कर दिया जाएगा, 3 महीने का भुगतान कर दिया जाएगा कर्मचारियों का, लेकिन एक भी पैसा भुगतान अभी तक नहीं किए। इससे लेकर के हम लोग जो है सारे लोगों को ज्ञापन दिया, डीएम से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोगों से मुलाकात किया, लेकिन किसी ने हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिया। तो जब हमारी बात को कोई संज्ञान में लेने वाला नहीं है तो हम अपना मत किसको दें, क्या मतलब है मत देने का। तो इसीलिए हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा तो हम मतदान भी नहीं करेंगे। भुगतान भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं आप लोग? जी। कितने दिनों से बैठे? दो अप्रैल से जो है। तो कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आप लोगों को आया मिलने? नहीं, अभी तो कोई नहीं है।
जी आप लोग धरने बैठे हैं, क्यों धरने बैठे हैं, वोट का बहिष्कार क्यों किए हैं? धरने पर तो बड़ी मजबूरी से बैठना पड़ा, और इस फैक्ट्री बारे में क्या कहा जाए। एक बार पहले बंद हुआ था तो इसको फैक्ट्री को चलाने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री से मिले, और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमारी सरकार राज में नहीं है और आप लोग, हम यहाँ से कुछ मदद करेंगे, आप लोग राज सरकार से जाके मिल लीजिएगा, और अगर हमारी सरकार होती तो हम सीधे कोई आदेश करते। हम लोग आए, मुख्यमंत्री नहीं मिले, उनके सचिव से मिले, भटनागर साहब से, और बड़ा ताजुब है कि जब सरकार नहीं थी तो उस समय मिल चला पिछले बार, और इस बार दोनों जगह की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसके बावजूद मिल साजिश के तहत बंद किया जा रहा है या क्यों नहीं। और हमारे तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी से मिलवाने के लिए जो माननीय सांसद हमारे बस्ती जिले के हैं द्विवेदी जी, वो जाके प्रधानमंत्री से मिलवाए, और इस बार अगर असर नहीं पड़ा तो आखिर प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलवाने का काम किया। हमें तो लगता है कि पूरी साजिश के तहत इस मिल को बंद कराने के लिए प्रक्रिया चल रहा है। हम लोग ये भी कहे कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी नहीं इम्प्रेशन बन रहा है तो आप मिलवाए, उसका भी इनकार किए, और मुख्यमंत्री जी के से भी हम लोग मिले, माने हम लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी का दरवाजा नहीं बचा कि मिल चलाने के लिए जिससे हम लोग ना मिले हों। और अगर मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था कि नहीं मिल नहीं बंद होगा, फिर प्रधानमंत्री भी यहाँ आए, कोई भी नहीं कहा कि मिल बंद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मिल बंद हुआ, और ये मिल आज़ादी के पहले का मिल है, अंग्रेजों के जमाने में लगाई हुई मिल है। आज जो लोग कह रहे हैं आप लोग को वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का, बस्ती जिले का जो नौजवान है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सारी जीविका छीन ली गई है। अगर ये मिल बंद होने के बाद पूरा बाजार सूना हो जाएगा तो हम किस लिए वोट दें? हम वोट के लिए वोट दें? हम लोग तो वोट देना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि अगर जब तक किसानों के गन्ने का भुगतान और शुगर फैक्ट्री अगर चली नहीं और जीविका छीना गया तो हम लोग वोट का तो बहिष्कार करेंगे, और इसके अलावा वो कानून व्यवस्था गड़बड़ होगा तो जिला प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगा। आज भी हमारी अपील है हम लोगों का किसान यूनियन के तरफ से, मिल मजदूरों के तरफ से, कि अभी भी समय है, जिला प्रशासन उसको चेत जाए, और जो अशोक, जो राकेश वर्मा, जो बजाज ग्रुप, ये दोनों बजा करके यहाँ के किसानों मजदूरों को भरमाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जब मुलाकात हुआ डीएम साहब से तो हम अपने शंका का समाधान डीएम साहब ने स्वयं कहा कि सर हमको नहीं लग रहा है कि ये मिल खरीदी जा रही है या कोई बेची जा रही है, लेकिन अगर आप जिले के मुखिया हैं, अगर आपको ये विश्वास है कि नहीं राकेश वर्मा मिल को खरीद रहे हैं, बाजार मिल को बेच रहे हैं, तो ठीक है, आप प्रक्रिया शुरू करें। और अंत में आज यही हुआ, ना मिल खरीदी जा रही है ना बेची जा रही है। और इसके बाद एक हफ्ते के पहले जब यहाँ आए थे डीएम साहब तो फिर हमने मुलाकात किया, हमने कहा डीएम साहब से कि मिल तो लगता है कुछ चलेगा, कुछ रेपेनिंग का कार्ड हो गया है। उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं विश्वास है कि मिल चलेगा, जब तक मिल में गन्ना क्रेशिंग ना हो, जब तक मजदूर काम ना लग जाए, तब तक हमको नहीं, ऐसा लगता है कि साजिश के तहत वो डीएम साहब को भी लोगों ने भरमा दिया है। तो हमारी अपील है कि ये मिल को चलाने के लिए प्रयास करें, नहीं तो हम लोग गाँव सड़क सड़क पर इसका प्रचार करेंगे, पूरा मताधिकार का हम लोग बहिष्कार करेंगे, और कानून व्यवस्था अभी तो ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भी लड़ी जाएगी, उसके बाद धरना प्रदर्शन सब कुछ होगा। और हमारी अपील है कि आप लोग प्राथमिकता के साथ ये मताधिकार का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसको आप छापने का प्रयास करें, और इस मिल के चलन की धनी राम चौधरी तहसील उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन।